नमस्कार, मैं हरीश, आप देख रहे हैं अमरावती सिटी न्यूज। दोस्तों, अमरावती शहर की पूर्व पुलिस आयुक्त आरती सिंह, इनके कार्यकाल में शुरू हुआ एमडी ड्रग्स अब अमरावती शहर में हर जगह अपनी जड़ें बड़ी तेजी से फैला चुका है। इसका शिकार दोस्तों बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हो रहे हैं। दोस्तों, अमरावती सिटी न्यूज चैनल ने कई वीडियो एमडी ड्रग्स किस तरह अमरावती में बेचा जाता है ऐसे वीडियो प्रसारित किए और आपने वो देखे भी होगी। इस पर पुलिस प्रशासन ने भी बड़ी कार्रवाई दोस्तों की। दोस्तों, अब अमरावती शहर में ड्रग्स यह 24 घंटे उपलब्ध हो रहा है। बस आपको पैसे देना है और ड्रग्स डीलर आपको बताई ही जगह पर आकर डिलीवरी देकर चले जाता है। और तो और दोस्तों, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमरावती में एमडी ड्रग्स होटल्स मॉल्स में भी कोई बंटी और बबली नाम का जोड़ा यह डिलीवरी लाकर दे देता है। पर दोस्तों, अब पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी यह एक्शन मोड में आ चुके हैं और उन्होंने एमडी ड्रग्स पर अपने अधिकारी को सख्त से सख्त कार्यवाही करने के आदेश दिए। दोस्तों, अभी 4 दिनों के अंदर अमरावती शहर में हुई दूसरी एमडी ड्रग्स जब्ती कार्रवाई से एक और जहां अमरावती शहर में खलबली मची है, वही दूसरी ओर सीपी नवीन चंद्र रेड्डी ने इस बारे में सख्त से सख्त कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश अधिकारियों को दिए। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार अपराध शाखा की दोनों टीमें नई बनाई गई है और सीआईयू यूनिट और थानेदारों को नशीली पदार्थों के कारोबार कर रहे लोगों की धरपकड़ के आदेश दिए गए। जल्द अनेक ड्रग तस्कर और उनके सहयोगी सलाखों के पीछे होंगे, ऐसी अमरावती सिटी न्यूज चैनल को दोस्तों जानकारी मिली है। दोस्तों, एमडी ड्रग्स जैसे घातक नशीले चीजें और अन्य ड्रग्स को लेकर अमरावती में कार्यभार संभाल रहे पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट चेतावनी पहले ही दी थी। उन्होंने नशीले पदार्थ के व्यापार को जड़ सहित उखाड़ देने का ऐलान भी किया था। इसी कड़ी में गत जनवरी में बड़ी खेप एमडी ड्रग्स की पकड़ी गई थी। अभी इसी सप्ताह में नशे के लिए इस्तेमाल होती दवा बटन का कारोबार का भी अमरावती में भंडाफोड़ किया गया था। ऐसे ही एमडी ड्रग्स की 2 घटनाओं में 4 आरोपियों को दोस्तों दबोचा गया, जिसमें 3 आरोपी नामजद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि सीपी नवीन चंद्र रेड्डी ने बहुत ही स्पष्ट आदेश में कहा है कि जो भी लोग नशीले पदार्थों की तस्करी और व्यापार में लिप्त है, चाहे कितना भी बड़ा वह आदमी हो, नेता हो, उसे खोज निकालो, गिरफ्तार करो, कार्रवाई करो। दोस्तों, उन्होंने बताया कि जांच कार्य की सीपी स्वयं डे टू डे रिपोर्ट ले रहे। 3 दिन पहले पकड़ी गई एमडी खेप के आरोपियों की धरपकड़ करने कहा गया है। सीपी रेड्डी अमरावती को नशीले पदार्थों की खरीद फरोख का अड्डा नहीं बनने देना चाहते। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अमरावती शहर के अंदर में बढ़ रहे एमडी ड्रग्स की तस्करी को पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी और इनकी टीम यह रोक सकेगी या नहीं, या एमडी ड्रग्स का शिकार अमरावती का युवा होते जाएगा? है अमरावती शहर के अंदर में होटल्स मॉल्स और अन्य ठिकानों के ऊपर में डिलीवरी ले जाकर देने वाले बंटी और बबली कौन, यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलो दोस्तों, फिर से मिलते रहेंगे खबर के साथ में, तब तक के लिए देखते रहिए अमरावती सिटी न्यूज।